होली का अर्थ होता है भाई जो कुछ पिछे ओलिया व ओलिया, इसका मतलब भगवा रंग की ओर इशारा तो नहीं है ऐसे भगवा होली तो पूरा देश ही मना रहा है, 400 पार की बात कर रहा है जी, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। यार आंटी कुछ आदर्श कर विक्रम की राम राम और आप सभी का स्वागत है। तो देखिए दोस्तों इस वक्त आप तस्वीरें हैं जींद जिले के सफेद दोस्त, इस वक्त आप तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और विजयपाल सिंह एडवोकेट द्वारा आज होली मिलन समारोह का जो कार्यक्रम रखा गया और यहां पर बहुत संख्या में हैं लोग पहुंचे और लोग साथ है, आज होली मिलन समारोह का जो त्यौहार है वो मनाया गया, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और साथ जो विजयपाल सिंह एडवोकेट जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं बातचीत करना चाहेंगे, जो आज होली मिलन समारोह का जो कार्यक्रम रखा गया है क्या कुछ वो कहना चाहेंगे। उत्ती दही और आज होली की पूरा संध्या पर सफेद दो हल्के के वासियों ने होली मिलन कार्यक्रम के अंदर पहुंचकर जो मेरा हौसला बढ़ाया, इसके लिए मैं सबका धन्यवाद करता हूं, खासकर अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, पत्रकार साथियों का, उनका भी धन्यवाद करता हूं। और धन्यवाद मेरे श्रवण जी, हमारे सुख दुख के साथी जो गौ सेवा योग के चेयरमैन है गौ बरगा भाई, उनका भी यहाँ पर स्वागत और अभिनंदन है। और निश्चित रूप से होली का अर्थ होता है भाई जो कुछ पीछे ओलिया व ओलिया, इसका मतलब होली तो होली, तो ईद जो आगे होएगा वो त्यौहार होएगा, रंगों का त्यौहार होगा, रंगों के त्यौहार। और जो भाईचारे को एक जो मैं कहता हूँ कि भाईचारे को बढ़ाने का, जो पीछे की कोई कमी रह रही है उसको ठीक करने का ये होली का त्यौहार है। और होली फाग के इस अवसर पर पूरे देशवासियों को राष्ट्रीय कीर्ति आह्वान समिति के राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते बहुत बहुत बधाई। साहब जो होली के दिन बड़े जो हुड़दंगबाजी होती है उनके बारे में क्या कुछ कहेंगे। देखिए निश्चित रूप से त्यौहार को हमने सभ्य तरीके से मनाना चाहिए और अब बहुत ज़्यादा अंतर आ गया है, अब सभ्य तरीके से त्यौहार भी मनाए जाने लग गए हैं। और निश्चित रूप से अपवाद कहीं भी हो सकता है, लेकिन आज होली और फाग कोई भी त्यौहार हो उसको अपनी मर्यादा में रहकर उमंगता के साथ मनाना है। एडवोकेट साहब आपने कहा कि जो होली सो होली, यानी आपका इशारा किस ओर था, जो वोटें पहले छिटक चुकी थी जो होली अब उनको साधने के लिए कार्यक्रम था। नहीं नहीं एक्चुअली क्या है कि वोटों के साधने का कार्यक्रम था, ये तो गपशप और एंजॉय करने का कार्यक्रम था, इसलिए हमने कोई इसमें ज़्यादा राजनीतिक बात भी नहीं करी। और राजनीतिक व्यक्ति हैं तो एक आध बात तो भाई जरूर हो गई, पत्रकार जी नहीं वो तो होने भी चाहिए, लेकिन ये होली के बाद तुरंत बाद लोकसभा की तैयारी के लिए जुट जाएंगे। निश्चित रूप हम तो होली से पहले जुटे हुए पड़े हैं भाई, हमारी तो एक महीने की पहले खत्म क्यों करा को बात है, हम तो जुटे पड़े हैं भाई और कंटिन्यू हैं। दो दिन सभी लोग त्यौहार मनाएंगे और त्यौहार का आनंद लेंगे, इसी त्यौहार को आगे बढ़ाते हुए आगे चुनाव वाला त्यौहार फिर गुलाल फिर यहीं पर आपको जी 4 जून को 400 पार के साथ हम फिर यहाँ पे गुलाल लगाएंगे। बहुत 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 शुक्रिया। सबसे पहले तो होली की सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई, सभी पत्रकार बंधुओं को भी होली की बधाई। इसी के साथ साथ आज शहीदों के लिए भी भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का फांसी का दिवस, उसके लिए शहीदों को नमन जी। और पूरे देशवासियों के लिए एक प्रेरणा का दिन है कि जो बुराइयां हैं उसको समाप्त कर अच्छाइयों की ओर बढ़े, और कमल भी कीचड़ में से खिल चुका है जी। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नेतृत्व, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश 400 पार की ओर से बढ़ रहा है, और जो बुराइयां थी वे धीरे धीरे देश में से घट रही है जी। और देश तरक्की के रास्ते पकड़ रहा है। तो होली का उत्सव है, खुशी का उत्सव है, सभी मिलकर खुशी मनाएं और अच्छाई के रूप में खुशी मनाएं जी। और जितनी कमियां और बुराइयां हैं उसको अपने अंदर से निकालें। और होली पे हुदड़ंग की जो बात अभी कर रहे थे आप, हुदड़ंग की अपेक्षा फूलों की होली खेलो, गुलालों की होली खेलो, प्यार की होली खेलो, प्रेम की होली खेलो, सब मिलजुल के होली मनाओ। और सभी को शुभ उन्हें शुभकामनाएं। और कौन से रंग से खेली जाए ये भी बता दीजिए, कहीं भगवा रंग की ओर इशारा तो नहीं है। ऐसे भगवा होली तो पूरा देश ही मना रहा है, 400 पार की बात कर रहा है जी, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। और रंग सभी प्यारे हैं और सभी रंगों का महत्व है जी, और सभी का सम्मान होना चाहिए। चलिए आखिरी बार जो हल्का वासियों किस तरह का संदेश दे दिए। हल्का वासियों के लिए मेरा एक ही संदेश है, ये होली पूरे हल्के के लोगों में खुशियाँ लेके आए। भाई विजयपाल जी ने यह आयोजन किया, सभी कार्यकर्ता बंधु आए और सभी ने मिलजुल के इस होली को मनाया, सभी पत्रकार बंधु आए, सभी के सुख समृद्धि और अच्छे जीवन की कामना के साथ ही मैं इस होली की शुभकामनाएं देता हूँ। शुक्रिया।